अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है उमर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आउट पास आप खुद कैसे लगवा के वापस जा सकते हो। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है इमिग्रेशन की, जिस सिटी में भी आप हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने किसी भी ट्रैवल एजेंसी के पास जाना है, उनसे कहना है आपको एक डेमो टिकट बना के दें, जो कि जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए होती है, ठीक है। आपने डेमो टिकट बनवानी है, 20 से 30 रिंगेट आपसे लेंगे, आपको डेमो टिकट बना देंगे। जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट है उससे एक हफ्ता बाद ही आपने डेमो टिकट बनवानी है, ठीक है। डेमो टिकट बनवा के आपने अपना पासपोर्ट लेना है ओरिजिनल, और अपनी टिकट लेनी है, आपने इमिग्रेशन ऑफिस चले जाना है। आप कुआलालंपुर में हैं तो कुआलालंपुर में चले जाना है, जोहोर बारो में है तो जोहोर बारो में इमिग्रेशन ऑफिस आपने चले जाना है। सुबह सुबह जल्दी आपने जाना है इमिग्रेशन के ऑफिस, सुबह 7 बजे 8 बजे तक आपने इमिग्रेशन पहुँच जाना है। उधर जाके आपने अपने टिकट देनी है और अपना पासपोर्ट देना है, और आपने 500 रिंगेट फाइन पे करना है। उधर फाइन पे करने के बाद आपको उधर वो वेट करवाएंगे, जब आपकी बारी आएंगे आपको बुलाएंगे, आपके 10 उंगलियों के फिंगर करेंगे और आपका बैन कर देंगे, आपको 5 साल के लिए फिंगर जब हो जाएंगे आपका रिकॉर्ड आ जाएगा और आपको लाइफ टाइम के लिए बैन कर देंगे। और फिंगर करने के बाद आपको वो बोलेंगे आप अभी जाएं, 3 से 4 घंटे बाद आप दोबारा वापस आएं और अपना पासपोर्ट ले लें। जब जब आपका कंप्लीट हो जाएगा आउट पास, आप अपना पासपोर्ट ले लें, आपको पेपर में पेपर की सूरत में 3-4 पेज मिल जाएंगे आउट पास के, तो उसके अंदर लिखा होगा विद इन 14 डेज आपने मलेशिया को छोड़ना है। तो आप अपना आउट पास लें, पासपोर्ट लें और अपने रूम पे वापस चले जाएं, और विद इन 14 डे आप देखें फिर जाके जिस दिन की आपको सस्ती टिकट मिलती है, 2 दिन में या 4 दिन के बाद की आप अपनी टिकट कंफर्म टिकट करवाएं और एयरपोर्ट पे जाएं और अपने मुल्क वापस चले जाएं, उसमें आप लाइफ टाइम बैन हो जाएंगे। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप लाइफ टाइम के लिए बैन होकर ना जाएं मलेशिया से, क्योंकि पाकिस्तान के हालात पहले से ही बहुत ख़राब हैं। तो आप स्पेशल पास लगवा के जाएं, क्योंकि दोबारा आपका मूड बन सकता है दोबारा मलेशिया में आने का, तो आप दोबारा मलेशिया में आ सकते हैं। तो ये जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन मेरी खुद का एक्सपीरियंस है। मैं भी आज से 6 साल पहले मैं भी आउट पास लगवा के वापस किया था पाकिस्तान में। मैं भी डायरेक्ट आउट पास लगवा के गया था, किसी एजेंट के थ्रू मैंने आउट पास नहीं लगवाया था। तो तब 800 रुपया फ़ाइन था, ठीक है, 800 रिंगेट। अभी तो फिर भी, लेकिन तब 800 रिंगेट फ़ाइन था, तब उन्होंने मुझे 5 साल के लिए बैन किया था। तो मैं वो लगवा के चला गया था, तो मैंने 5 साल पाकिस्तान में गुजारे, और अब मेरा 5 साल कंप्लीट हुए हैं। तो दोबारा मैंने न्यू कॉलिंग ली है, तो दोबारा कॉलिंग लेके मैं मलेशिया वापस आया हूँ। अगर अभी आप अगर आप 500 रिंगेट वाला आउट पास लगवा के जाएंगे तो आप लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग मलेशिया से वापस जाना चाहते हैं और लाइफ टाइम बैन होना चाहते हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि लाइफ टाइम बैन ना हो, स्पेशल पास लगवाएं, थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा पैसा इकट्ठा करें और स्पेशल पास लगवा के वापस जाएं। आउट पास पे लगवा के जाएंगे तो आपको परेशानी बहुत होगी पाकिस्तान में, तो या तो फिर किसी और कंट्री में आपको जाना पड़ेगा या तो मलेशिया, तो आप आ नहीं सकेंगे। फिर स्पेशल पास लगवा के जाएंगे तो आपके पास चांस हैं कि आप जाके दोबारा न्यू कॉलिंग वीज़ा लेके, वर्क वीज़ा लेके वापस आ सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाफिज़।